अरविंद बाहुबली नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शाम के 7 बज चुके हैं और दिल्ली वालों ने सुना दिया है अपना फैसला। जमे रहो अरविंद केजरीवाल। चुनाव प्रचार के दौरान जो मुकाबला भीषण लग रहा था, चुनावी नतीजे में वो बिल्कुल एक तरफा साबित हुआ। 5 साल पुराने करिश्मे को दोहराते हुए अरविंद केजरीवाल की पार्टी 63 सीटें अपनी झोली में डालने में कामयाब रही। पूरी ताकत झोंकने के बावजूद बीजेपी 3 से बढ़कर सिर्फ 7 सीट तक ही आ पाई। वहीं कांग्रेस की सीट शून्य की शून्य बनी रही। चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल ने सबसे पहले बजरंगबली का शुक्रिया अदा किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए ये बहुत बड़ी जीत, क्योंकि जीत की हैट्रिक लगाने में अरविंद केजरीवाल कामयाब रहे। 2013 में 28 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी 2015 में जो प्रचंड बहुमत के साथ 67 सीटों के आंकड़े को छू लेती है, और 2020 में जब लग रहा था कि मुश्किल अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द काफी ज्यादा बड़ी है, उस समय उससे पार पाते हुए 62 सीटें। अभी का जो बड़ा आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, 62 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में। ये रिपोर्ट देखिए। हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है। हनुमान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब लोग दिल्लीवासी प्रभु से यही कामना करते हैं कि आने वाले 5 साल में भी हमें इसी तरह से दिशा दिखाता रहे, हमें शक्ति दे कि जैसे पिछले 5 साल हम लोगों ने लग के दिल्ली वासियों की सेवा की, अगले 5 साल भी हम सब दिल्ली के 2 करोड़ लोग, हम सब दिल्ली परिवार के 2 करोड़ लोग मिलके अपनी दिल्ली को एक बहुत ही अच्छा और सुंदर शहर बना सकें। दोपहर 3 बजे के आसपास जैसे ही चुनावी रुझान से साफ हुआ कि दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल बाहुबली बनकर उभरे हैं, और दिल्ली के सीएम ने दिल्ली की जनता के साथ अगर सबसे पहले किसी को याद किया तो वो थे बजरंगबली। हनुमान जी का दिन है, हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है। हनुमान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल कनॉट प्लेस के मशहूर हनुमान मंदिर पहुंचे पवन पुत्र का शुक्रिया अदा करने। परिवार के साथ उन्होंने हनुमान जी की पूजा की और अगले 5 साल दिल्ली की सेवा का आशीर्वाद लिया। केजरीवाल को हनुमान भक्ति दिखाने की जरूरत यूं ही नहीं पड़ी थी। वो तो चुनाव में केजरीवाल सस्ती बिजली पानी, मोहल्ला क्लिनिक जैसे विकास के मुद्दों के साथ उतरे थे, लेकिन बीच चुनाव में बजरंगबली आ गए। चुनाव प्रचार के दौरान कुछ बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल को आतंकी और नक्सली कहा था। इसी के जवाब में उन्होंने खुद को हनुमान भक्त कहा तो दिल्ली चुनाव में ये बहस का मुद्दा बन गया। देखिए तब आज तक से क्या बोले थे केजरीवाल। बचपन से मैं हनुमान जी का भक्त रहा हूं, और उस दिन अचानक मैं एक टीवी प्रोग्राम में था एक दिन, तो उसने पूछा मेरे से, मैंने कह दिया। उसने बाई चांस पूछ लिया, आपको हनुमान चालीसा आता है? मैंने कहा हाँ जी आता है। बोला सुनाओ, मैंने सुना दिया। अब कोई मैं उसमें रट के तो गया नहीं था, कोई सेटिंग तो थी नहीं एंकर के साथ। नतीजों से साफ है आतंकवादी वाले आहारी पड़े बजरंगबली। हालांकि बजरंगबली के साथ वो लोकतंत्र के असली भगवान यानी जनता का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले। यही नहीं, उन्होंने भारत माता के नारे भी लगाए जो अक्सर बीजेपी नेताओं की रैलियों में लगता है। अब अपने को अगले 5 साल खूब मेहनत करनी है ना, सब मिलके करेंगे, मैं अकेला नहीं कर सकता। सब लोग तैयार हैं? भारत माता की, इंकलाब, वंदे। लेकिन विजयी भाषण में सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था केजरीवाल के परिवार की एंट्री। पहली बार इस तरह सार्वजनिक मंच पर परिवार को आगे करते नजर आए केजरीवाल।
मेरे परिवार ने, उन्होंने भी खूब लग के मेहनत की, उन्होंने खूब सपोर्ट किया। आज मेरी वाइफ का जन्मदिन भी है। खैर, केजरीवाल दिल्ली की जीत के नायक हैं, वो दिल्ली के बाहुबली बनकर उभरे हैं। एक तरफ बीजेपी की पूरी मिशनरी लगी हुई थी और दूसरी तरफ अकेले अरविंद केजरीवाल। इस मायने में ये जीत बेहद अहम है। दिल्ली की जनता का ये जो जनादेश है, उसको सर माथे रखते हुए मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है। ये वही मनोज तिवारी हैं जो एग्जिट पोल के साफ साफ संकेतों के बावजूद सब कुछ नकारने पर तुले थे, लेकिन केजरीवाल की कामयाबी ने सारे विरोधियों को अपना कहा निगलने पर मजबूर कर दिया। 2013, 2015 और अब 2020, लगातार तीन चुनावों में केजरीवाल ने खुद को साबित किया। लगातार तीन चुनाव जीतने वाले वो देश के चुनिंदा मुख्यमंत्रियों की कतार में शामिल हो गए हैं। दिल्ली की जनता कह रही है, जमे रहो केजरीवाल। पंकज जैन और हिमांशु मिश्रा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज। अरविंद केजरीवाल की प्रचंड कामयाबी के बाद स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा खुद केजरीवाल परिवार है। संयोग से आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता का जन्मदिन भी है। हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ने केजरीवाल की पत्नी और बच्चों से की है खास बातचीत, सुनिए। अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर दिल्ली में वापसी, और वो भी धमाकेदार वापसी। 63 सीट पर अरविंद केजरीवाल अभी आगे चल रहे हैं, उनकी पार्टी अभी आगे चल रही है। कुछ देर पहले अभी ऊपर गए और उन्होंने वहां पर दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त किया, और साथ में थी सुनीता जी, आपका बर्थडे है, उन्होंने वहीं सबके सामने आपको बर्थडे विश किया। तो ये आपका प्रेजेंट उनको था या उनका प्रेजेंट आपको था? कैसे भी समझ लीजिए, दिल्ली वालों ने गिफ्ट दिया है, मेरे को इससे अच्छा गिफ्ट नहीं मिल सकता था। इस बार क्योंकि इस बार सब लोग बार बार यही बात हो रही थी, क्या पिछली बार जैसा रिकॉर्ड कर पाएंगे, बिल्कुल उसके पास पहुंच गए, तो इस बार थोड़ा ज्यादा कैंपेन में मेहनत थी, ज्यादा परेशानी थी, एंग्जाइटी थी क्या? एंग्जाइटी थी, यस, क्योंकि काफी मतलब अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे और नई किस्म का फाइट थी। एजेंडा पॉलिटिक्स एक तरफ थी और इस तरफ हमें अपने काम पर भरोसा था। मुझे लगता है दिल्ली ने सच को जिताया है। मुझे याद है कि बनारस में जब अरविंद चुनाव लड़ रहे थे, तब आपने कहा था मैं बात नहीं करूंगी, तब आप सर्विस में थी। इस बार आप बाहर आई, आपने बात भी करी, मीडिया से ही बात करी, और स्पेसिफिकली जब अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ कहा गया, उनके बारे में कुछ नाम बोले गए, जैसे टेररिस्ट बोला गया, तो आप और हर्षिता दोनों आए और आपने उस बारे में बात करी, कहीं ना कहीं उसका दुख हुआ आपको कि इस तरीके से उन पर अटैक हुआ? डेफिनेटली, मतलब अब तो हो गया सब खत्म, लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया। किसी के ऊपर इस तरह से पर्सनल अटैक ठीक नहीं रहता। अगले अरविंद ने तो आई थिंक ऐसा कहीं किसी के लिए नहीं कहा और कहना भी नहीं चाहिए। राजनीति है, ढंग से लड़ो, मुद्दों पर लड़ो जी। अगले 5 साल में आपकी क्या उम्मीद है दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार से? अभी Level 2 का काम होगा, जो उन्होंने 10 गारंटीज दी हैं उन पे तो होना ही होना है, और आई एम होपिंग कि इससे और अच्छा काम होगा दिल्ली। गवर्नेंस में आपसे एडवाइस लेते हैं कभी? गवर्नेंस, हाँ, इश्यूज तो चलते रहते हैं, सब अपने अपने एडवाइस देते हैं, फिर जनरली जो मीटिंग्स में निकल के आता है वो डिसीजंस लेते हैं। और बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आम आदमी पार्टी पिछले शायद 10 सालों से कवर कर रहा हूँ। जब मैंने शुरू करा था तो हर्षिता और पुलकित दोनों स्कूल में होते थे। हर्षिता अब IIT से अपना इंजीनियरिंग करने के बाद अब जॉब कर रही हैं और टाइम निकाल कर यहाँ पर आई हैं, और आप IIT में पहुँच गए हैं। तो इस बार बूथ लेवल वर्कर के तौर पर भी काम किया, शायद आपने देखा चुनाव को बड़े क्लोजली, कैसा लगा? हाँ बिल्कुल, मतलब सारा एंड टू एंड हम लोग देख रहे थे, वॉलंटियर की तरह काम कर रहे थे, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्राउंड पे जब हम जाते थे, लोगों का जो रिस्पांस होता था वो सुनकर बात करके बहुत अच्छा लगता था। पाँच साल पहले जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, तब आप पढ़ाई कर रही थी, अब 5 साल बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, आप जॉब में हैं, तो क्या फ़र्क आपको दिखा अरविंद केजरीवाल द फादर एंड अरविंद केजरीवाल द चीफ मिनिस्टर में? फादर में तो कुछ खास नहीं, एज इन सेम चीज़ है, चलती रहती है विद एवरी पीरियड, आपको भी पता है अप्स एंड डाउन आते हैं, उससे सीखते हैं, फिर ग्रो करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं, एंड अभी भी आने वाले टाइम में जो इतनी प्रॉमिसेस और गारंटी कार्ड है उसको लेकर आगे दिल्ली में चलेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कैंपेन में बहुत सारे उतार चढ़ाव है, वर यू एवर वरीड कि शायद डैड 60 नहीं हो पाएगा, ऐसी कभी बात हुई बैठ के? हमेशा यही होता था 60+ में 64 होगा, 67 होगा, 60 के नीचे तो हम जाते ही नहीं थे। ओके पुलकित, व्हाट अबाउट यू, थोड़ा इंटरेस्ट है अब राजनीति में, अब तो घर में बहुत सालों से राजनीति देख रहे हो?
इंटरेस्ट तो आ ही जाता है, मतलब पढ़ते हो देखते हो न्यूज़ तो फिर जनरली इंटरेस्ट आ जाता है एंड कुछ कंट्रीब्यूट भी करने का मन करता है। इतना पॉजिटिविटी देखते हो कि काम हो रहा है तो खुद भी मन करता है कि हाँ जाकर कैंपेनिंग करो, लोगों से मिलो, लोग इतने खुश होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यूथ के लिए कभी डैड को सजेशन दिया है कि मेरे दोस्त बोल रहे थे शायद सरकार को ऐसा भी कुछ करना चाहिए, ऐसा कभी मौका आया क्या? डेफिनेटली मतलब कभी कभी कुछ दोस्त भी अगर सजेशन देते हैं तो डैड तक पहुँचा देता हूँ, बट इन जनरल दोस्त भी काफ़ी खुश है। मतलब फर्स्ट टाइम हो रहा है कि कोई गवर्नमेंट इतना ज़्यादा एजुकेशन पे वोट्स मांग दिए, तो आई थिंक सबको दिखता है कि स्कूल इंप्रूव करे है। परिवार के लोगों की राय आप सुन रहे थे। फिलहाल इस वक्त राजेंद्र नगर सीट से पहली बार जीत हासिल करने वाले हमारे साथ आम आदमी पार्टी के युवा चेहरा जुड़ चुके हैं और पहचान के वो मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि लगातार टेलीविजन के जरिए अपनी बात वो रखते हुए चले आए हैं और महत्वपूर्ण ये भी है जिस राघव चड्ढा को इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जब ये वोट मांगने के लिए राजेंद्र नगर की गलियों में जाते थे तो राघव चड्ढा के बाद शादी के भी बहुत सारे ऑफर आए। राघव बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। सबसे पहले जीत की बधाई, उम्मीदों का बड़ा पहाड़ खड़ा किया है आप लोगों ने और अब उन उम्मीदों को पूरा करने की बारी है। कैसे बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जीत को आप। देखिए पहली बात तो यह है कि बीते 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो काम किए, जो केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हमने जनता के सामने रखा वो जनता को पसंद आया। जनता ने हमारे 5 साल की सेवा, 5 साल के काम पर मोहर लगाई और ये साबित करा कि अरविंद केजरीवाल जी सच्चे देशभक्त हैं जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण के लिए बीते 5 सालों में बहुत काम किया। अगर इस देश के सारे चुनाव मुफ्त बिजली, 24 घंटे बिजली, पानी, सीवर जैसी बुनियादी सुविधाएं, अच्छी शिक्षा और बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था पर होने लग जाए तो मुझे लगता है कि राष्ट्र हमारा और आगे बढ़ेगा। पहली बार मुझे लगता है कि ऐसा चुनाव हुआ जहां 5 साल का कार्यकाल समाप्त करने के बाद एक सरकार, एक मुख्यमंत्री जनता के बीच गए और उन्होंने कहा कि अगर 5 साल में मैंने आपके लिए काम किया है तो मुझे वोट देना, अगर मैंने काम नहीं किया है तो मुझे वोट मत देना। ये कहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत हौसला चाहिए, बड़ा विश्वास चाहिए। जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को, अपने बेटे को, अपने मैं तो कहूँगा दिल्ली के श्रवण कुमार को खूब प्यार दिया, खूब आशीर्वाद दिया और एक बार फिर से तीसरी बार लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की एक अपॉर्चुनिटी दी। साथ ही साथ नकारात्मक राजनीति का भी मैं कहूँ इस चुनाव में पतन हुआ। पिछले चुनाव में बीजेपी ने हमें, अरविंद केजरीवाल जी को कहा था कि ये नक्सली हैं, इस चुनाव में वे एक कदम और आगे गए और कहा अरविंद केजरीवाल आतंकवादी हैं। दिल्ली की जनता को बहुत बुरा लगा, बड़ी आहत हुई दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता ने कहा कि जो आदमी हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया कर रहा है कि निजी स्कूलों से बेहतर नतीजे दिल्ली के सरकारी स्कूलों से आए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दे रहा है, मुफ्त इलाज दे रहा है, तीर्थ यात्रा योजना करवा रहा है, महिलाओं को बस यात्रा दे रहा है, वो आदमी भला आतंकवादी कैसे हो सकता है? वो तो सच्चा देशभक्त है। आज ये बात साबित हुई। और मैं अपनी बात करूं तो आज मेरे अपने इलाके की, जहां मेरा जन्म हुआ, जहां मेरा परिवार 65 साल से रहता है, अपनी बात पूरी करें आप। आपने कहा कि 65 साल से, जहां आपका, मुझे अपनी विधानसभा जहां से, जहां पे मेरा पूरा बचपन बीता, पूरा जी जी, एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ मेरा दाद का ददियाल भी है, नानका ननिहाल भी है, मेरा परिवार 65 साल से रहता है, मैं जब से पैदा हुआ वही रहता हूँ, उसी क्षेत्र में खेला कूदा पला बड़ा। उस क्षेत्र की जनता का काम करने का, सेवा करने की, उन गलियों की, उन मोहल्लों की, उन लोगों की, एक बहुत सुनहरा मौका मुझे मिला है। अपनी जन्मभूमि को अपनी कर्म भूमि बनाने का एक मौका मिला है। मैं अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में पूरे प्रयास करूंगा कि जनता को किसी भी प्रकार से शिकायत का कोई मौका ना दूं और ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि बहुत सारी उम्मीदें हैं जनता को हमसे जी। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा कि जनता की ढेरों उम्मीदें, बहुत विश्वास हमारे ऊपर है, उस विश्वास को हम संभाल पाएं, उस विश्वास पर खरा उतर पाएं और जिस प्रकार से हमने एक ईमानदार, सच्ची, निष्ठा वाली, जनता की सेवा करने वाली, सेवा भाव से 5 साल सरकार चलाई, ऊपर वाला हमें इतना आशीर्वाद दे कि हम उसी प्रकार से जनता की सेवा में लगे रहें और बेहतरीन काम करते रहें और 5 साल बाद फिर अपने काम के चुनाव पर वोट मांगे, जनता के बीच काम की राजनीति करें। चलिए बहुत शुक्रिया राघव चड्ढा आज तक से जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। पहली बार आप विधायक बने हैं, उम्मीद ही जिस उम्मीदों के साथ, जिस भरोसे के साथ जनता ने आपको चुना है उन उम्मीदों पर आप पूरी तरह से खरे उतरेंगे। राघव चड्ढा को आप सुन रहे थे। राजेंद्र नगर सीट से जीत हासिल की है बीजेपी के सरदार आरपी सिंह को, उन्होंने मात दी। युवा चेहरा 31 साल के हैं राघव चड्ढा। आगे बढ़ते हुए दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी की ये प्रचंड वापसी है। पिछली बार की बात करें तो आपने 67 सीटें जीती थी, इस बार 63 सीटों पर कब्जा कर लिया।
एक समय डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आतिशी और अमानतुल्लाह जैसे दिग्गज उम्मीदवार हारते नजर आ रहे थे, लेकिन ये तीनों जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। आपने लगातार दूसरी बार 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। आम आदमी पार्टी के लिए यकीनन ये जश्न का दिन है। दिल्ली में लड़ाई घनघोर थी। महज 7.5 साल पुरानी पार्टी का मुकाबला करीब 40 साल पुरानी उस भारतीय जनता पार्टी से था जिसकी केंद्र में सरकार है। मोदी जैसे करिश्माई प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जैसे चुनाव के कुशल रणनीतिकार हैं, और सबसे बड़ी बात जिसके कैडर का दूसरे दल लोहा मानते हैं। सुबह वोटों की गिनती शुरू हुई तो एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक आम आदमी पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाती नजर आई। लेकिन बीजेपी ने भी मैदान नहीं छोड़ा था। एक वक्त ऐसा भी था जब बीजेपी 21 सीटों पर आगे हो गई। मनीष सिसोदिया, आतिशी मार्लेना, अमानतुल्ला खान जैसे आम आदमी पार्टी के दिग्गज उम्मीदवार पीछे नजर आए। लेकिन 7-8 चक्र की गिनती पूरी होते ही तस्वीरें साफ होती चली गई। पहले अमानतुल्ला आगे हुए, फिर आतिशी और बाद में मनीष सिसोदिया भी बीजेपी से गिरफ्त छुड़ाने में कामयाब हो गए। करीब 3,500 के संकीर्ण अंतर से जीते सिसोदिया, जबकि 2015 में वो 28,791 वोट से जीते थे। पूरी दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल जी के काम को, पिछले 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने जो आम जनता के लिए काम किया, उनका आम परिवार का बेटा बनके काम किया, उसको वोट किया है। और बहुत खुशी है कि पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतनी बम्पर जीत मिली है। पटपड़गंज भी उसमें शामिल हुआ है। मुझे पटपड़गंज के विधायक बनने पर एक बार फिर से खुशी होगी। सिसोदिया की सीट का नतीजा साफ हुआ तो दिल्ली की तस्वीर भी दोपहर के 3 बजते पूरी तरह साफ हो गई। आम आदमी पार्टी की सीटों का कांटा 60 के पार चला गया। केजरीवाल की पार्टी को टक्कर देती बीजेपी 10 सीटों से नीचे सिमट गई। पिछली बार की तरह कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। दिल्ली की जनता ने बता दिया कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के परिवार का बेटा अरविंद केजरीवाल है और उसको कोई हरा नहीं सकता। दिल्ली के 2 करोड़ परिवार के लोगों ने बता दिया उसके बेटे के खिलाफ जो अमित शाह की शक्ति लगी, उनकी पूरी कैबिनेट लगी, 300 भाजपा के सांसद लगे, सारी सत्ता लग गई, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने अपने परिवार के बेटे को प्रचंड बहुमत दिलाया। आम आदमी पार्टी पर दिल्ली की जनता के भरोसे का अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि केजरीवाल का पूरा मंत्रिमंडल दोबारा चुनाव जीतने में कामयाब रहा। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल, पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया, शकुर बस्ती से सत्येंद्र जैन, बाबरपुर से गोपाल राय, सीमापुरी से राजेंद्र पाल गौतम, बल्ली मारान से इमरान हुसैन और नजफगढ़ से कैलाश गहलोत शामिल हैं। देखो, जनता ने काम पे वोट दिया है और जनता ने बताया है कि नेगेटिव राजनीति नहीं चलेगी, काम चलेगा, और दिल्ली सरकार ने काम किया है, उस काम के ऊपर वोट दिया है। जीत का श्रेय किसको देंगे? अरविंद जी को। उन्होंने जो काम किया, जो डायरेक्शन रखी, जो पूरा का पूरा श्रेय अरविंद जी को जाता है। आम आदमी पार्टी के जिन दिग्गजों ने चुनाव मैदान में झंडा गाड़ा है, उनमें ओखला से अमानतुल्ला खान और बुराड़ी से संजीव झा 50,000 से भी ज्यादा मतों से जीते। मंगोलपुरी से राखी बिड़लान, करोलबाग से विशेष और राजेंद्र नगर से राघव चड्डा 20,000 से भी ज्यादा वोट से जीते। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज, हरिनगर से राजकुमारी ढिल्लन, जनकपुरी से राजेश ऋषि, तिमारपुर से दिलीप पांडे, उत्तम नगर से नरेश बाल्यान और कालकाजी से आतिशी मार्लेना ने 10,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की, जबकि मालवीय नगर से सोमनाथ भारती जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। बेशक 2015 के मुकाबले आम आदमी पार्टी की सीटें घटी हैं, लेकिन वोट शेयर के नजरिए से देखें तो आपकी कामयाबी बड़ी नजर आएगी। केजरीवाल लगातार दूसरी बार 50% से ज्यादा वोट बटोरने में कामयाब रहे। पिछले चुनाव और इस बार के वोट शेयर का अंतर 1% से भी कम है। भारत के चुनावी इतिहास में ऐसा कम ही देखने को मिलता है।
हिमांशु मिश्रा, जितेंद्र बहादुर सिंह और मौसमी सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। दिल्ली की जनता ने शाहीन बाग के मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया है। अमित शाह ने इस चुनाव को शाहीन बाग बराम केजरीवाल बनाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने ईवीएम का बटन दबाकर शाहीन बाग को करंट लगाने वाला बयान भी दिया, लेकिन जो जनादेश आया वो बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, एक घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग के अगर आपको एक भी आदमी ने दिया तो मैं भी यही और आप भी यही। मनीष सिसोदिया जी ने ये कहा कि वो शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, इसका मतलब आप ये पॉलिटिकल मूवमेंट चलवा रहे हैं, इसका मतलब आप एक मुस्लिम वोट बैंक की गंदी राजनीति करना चाहते हैं। और मैं बिल्कुल कायम हूँ, अगर आप छोटे छोटे पाकिस्तान बनाओगे तो एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान जरूर खड़ा होगा इसके जवाब में। न शाहीन बाग को करंट लगा, न बीजेपी की सरकार बनी, न शाहीन बाग खाली कराने का मौका मिला, न जनता ने दिल्ली चुनाव को भारत पाकिस्तान मैच बनाकर वोट किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत ने साबित कर दिया कि जनता के लिए शाहीन बाग समेत ऐसी बातें बेतुकी थी। जबरदस्त जीत का जश्न मना रही आम आदमी पार्टी के दफ्तर में एक पोस्टर दिख रहा है जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तस्वीर चस्पा है। पोस्टर पर लिखा है, करंट लगा क्या, शाहीन बाग जो है जीत गया, अरविंद केजरीवाल जीत गया, एनआरसी हार गई, बीजेपी हार गई, नरेंद्र मोदी हार गए, अमित शाह हार गए, शाहीन बाग जीत गया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अब सोचना होगा आने वाले वक्त के अंदर बिहार में क्या होगा और बंगाल में क्या होगा। दरअसल ओखला में शाहीन बाग है, वहां से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की एक तरफा जीत हुई। उनकी जीत का मार्जिन इतना ज्यादा है जो केवल मुस्लिम वोटों से ही संभव नहीं हो सकता, यानी लोग बटे नहीं बल्कि एकजुट होकर उन मुद्दों के लिए वोट किया जिन्हें केजरीवाल ने उठाया था। देखिए, यहाँ डेवलपमेंट पर लोगों ने वोट दिया, काम पर लोगों ने वोट दिया, शाहीनबाग एक मुद्दा है, इन लोगों ने बनाया, लेकिन एक इश्यूज को लेकर के वो लोग बैठे हैं। और मेरा मानना है कि ये काम की जीत हुई है, नफरत की हार हुई है। लोगों ने भरोसा किया और ज्यादा भरोसे को, अब जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं, और ज्यादा काम करेंगे। चुनाव में हिंदू मुस्लिम कार्ड चलकर बीजेपी ने कई जगहों पर आपके लिए मुश्किलें जरूर खड़ी की, लेकिन उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। बीजेपी ने काफी नफरत की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, बीजेपी ने काफी इस बात की कोशिश की कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ पड़े, लेकिन मुझे खुशी है कि पटपड़गंज के मेरे वोटर्स, पटपड़गंज के मेरे भाई बहन बटे नहीं और कुल मिला के आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी को जिताने के लिए एक बार। मनीष सिसोदिया के उस बयान को ही बीजेपी ने चुनाव प्रचार में हथियार बना लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नागरिकता कानून के मुद्दे पर वो शाहीन बाग के साथ हैं। इसके बाद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे कि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को बिरयानी यही दोनों खिला रहे हैं। केजरीवाल एंड कंपनी को ये सब अच्छा नहीं लगता, उन्हें तो शाहीन बाग को प्रायोजित करने और शाहीन बाग में बिरयानी खिलाने से ही फुर्सत नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, दिल्ली वासियों को तय करना है कि दिल्ली के विकास के लिए, सुशासन के लिए और दिल्ली में राष्ट्रवाद की अलग जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए या दिल्ली के अंदर शाहीन बाग की बिरयानी खाने वाले लोगों को खिलाने वाले लोगों की सरकार चाहिए। वहीं जब आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में यह बात सामने आई कि महज 2% लोगों के लिए शाहीन बाग मुद्दा था, अब नतीजों से भी इसकी पुष्टि हो गई है कि शाहीन बाग के जिस मुद्दे को बीजेपी ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उछाला, उसे दिल्ली की जनता बहुत पहले ही खारिज कर चुकी थी। निखिल लखवानी, दिल्ली आज तक। चले आगे बढ़ते हुए बात आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की कर लेते हैं। हर बार की तरह इस बार भी आज तक का एग्जिट पोल सबसे ज्यादा सटीक रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे इस दावे को
पक्का कर रहे हैं। देखिए, आखिरी अनुमान दिल्ली का कुल मिलाकर 70 सीटों में 59 से 68 सीटें आम आदमी पार्टी को जा सकती है। तो एक बार फिर दिल्ली की सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ केजरीवाल की वापसी हो गई और इसी के साथ आज तक एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल का डंका बज गया। नतीजे बता रहे हैं कि हर बार की तरह इस बार भी आज तक का एग्जिट पोल सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद रहा। आज तक एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी को 59 से 68 सीटें मिलने का अनुमान जताया था, वहीं बीजेपी को 2 से 11 सीटें मिलने की बात कही थी। एग्जिट पोल में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। अब नतीजे आपके सामने हैं। प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की वापसी हो गई है। आपका मिठाई खाना बनता है। इस मौके पर एक्सिस माय इंडिया के सीएमडी प्रदीप गुप्ता अपनी खुशी रोक नहीं पाए और खुशी से झूम उठे। गुप्ता जी के कम से कम जिस तरीके से एक बार फिर देखिए, जब एक पोलस्टर के अनुमान 100% सही साबित होते हैं और प्रदीप गुप्ता कह रहे हैं, वोटों की गिनती के साथ ही आज तक एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल सटीक साबित हुआ। यही वजह है कि हर खबर के साथ आज तक सबसे भरोसेमंद है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।